अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में, लेकिन वो औरत को बचा लेता है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये बच्चे को बचाना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो लियो को बोलता है जल्दी से रेस्पिरेटर इसके ऊपर डालो, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पुलिस वाली बोलती है डॉक्टर क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या। लिन बोलता है आप पुलिस वाली हो, डॉक्टर नहीं हो। लियो बोलती है ठीक है मैं यहाँ का भीड़ को हटाती तो जल्दी यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाएगा। फिर लिन अपने सुई से वो औरत पर भोंकने लगता है। लियो बोलती है लिन क्या ये प्रेशर पॉइंट है। लिन बोलते है तुम इसे जिंदगी बचा पाओगी अगर तुम इसे सही से करोगी तो। इसका इंटरनल हेमोरेज काम नहीं कर रहा है, बिना इक्विपमेंट का मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो पुलिस वाली को बोलता है मैं ज्यादा 20 मिनट तक इसे बचा सकता हूँ, एम्बुलेंस अभी तक आया नहीं यहाँ पर। पुलिस वाली शॉक्ट होकर बोलती है 20 मिनट कोई बात नहीं मैं देख लूंगी। फिर वो सभी को बोलती है सभी लोग निकल जाओ यहाँ से, एम्बुलेंस यहाँ पर आने वाला है तो सभी लोग यहाँ से जाओ। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मुझे देखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है अगला। दूसरा लड़का बोलता है ये पुलिस वाली कितनी सेक्सी लग रही है, मुझे यहाँ से जाना नहीं है। तीसरा लड़का बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, सुंदर पुलिस वाली। फिर वो अपना बंदूक निकाल कर बोलती है पुलिस को कम मत समझो नहीं तो तुम्हें जेल जाना होगा। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है ये पुलिस वाली बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये शायद अभी ट्रेनिंग ले रही होगी। तभी लियो बोलती है लिन वो लड़की जाग गई है, वो इतनी ज्यादा घायल नहीं है और वो तुमसे बात करना चाहती है। फिर वो लड़की लिन को बोलती है प्लीज मेरे पति और मेरे भाभी को बचा लो। लिन बोलते चिंता मत करो वो लोग ठीक है, तुम सिर्फ इंतजार करो एम्बुलेंस का। दूसरी तरफ वो पुलिस वाली सभी को हटाते हुए बोलती है सभी लोग हट जाओ और एम्बुलेंस को आने के लिए जगह दो। फिर वो लोग को एम्बुलेंस में डाला जाता है। लिन ये देखकर लियो को बोलता है जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना है। दूसरी तरफ वो आदमी का नशा उतर जाता है। फिर वो उस लड़की को बोलता है मुझे किसने मारा, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो लड़की बोलती है तुम आखिरकार उठ ही गए। पुलिस वाली उन लोगों को बोलती है तुम दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। वो लड़की बोलती है इतना भाव मत खाओ बेवकूफ ट्रैफिक पुलिस वाली। ये सुनकर वो पुलिस वाली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते है और अपने मन में बोलती है बेवकूफ पुलिस वाली। फिर वो अपना आईडी कार्ड निकाल कर बोलती है मैं रजिस्टर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम लोग पीकर गाड़ी चला रहे हो, दूसरों का नुकसान किए और दूसरे को भी मारने गए, अब तुम लोगों को स्टेशन चलना ही होगा। वो लड़की गुस्से में बोलती है तुम्हें पता है इसका पापा का नाम क्या है। वो लड़का बोलता है चुप हो जाओ मेरा पापा बाहर निकाल देगा मुझे, फिर मैं इसका यूनिफॉर्म को निकाल के फेंक दूंगा। पुलिस वाली बोलती है ये लोग इतना भाव खा रहे हैं वो भी कानून तोड़कर। फिर वो आसपास से देखते हुए बोलती है हाँ वो डॉक्टर कहाँ चले गए, अच्छा काम करके निकल गए वो भी बिना नाम बताए हुए। दूसरी तरफ लियो लिन को बोलती है जो तुमने मेथड का इस्तेमाल किया ना उसे बचाने के लिए मैं इसे किताब में पढ़ी थी। लिन बोलते है ये अर्जेंट था, अगर एम्बुलेंस का आने में देर हो जाता तो वो लोग मारे जाते, चलो वापस चलते हैं, अगर पुलिस लोग हमें पकड़ लिया तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। जो उसके पाँव में देखकर बोलती है तुम्हारा पाँव घायल है, जब तुम वो लड़की को बचा रहे थे तभी ना चोट लगा तुम्हें। लिन बोलते है घर जाकर मैं दवाई लगा दूंगा फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी लिन अपने आगे देखकर बोलता है क्लिनिक के सामने ये दो लड़के कौन है। दूसरी तरफ वो लड़की बोलती है ऐसा मत करो गीगी, अभी से उसे वही बचा सकता है। गीगी बोलती है अंकल यन का गाड़ी वापस आ गया है, वो पागल डॉक्टर वापस आ गया है, मैं इसे मार डालूंगी। लिन अपने मन में बोलता है इसलिए मेरा आग फड़क रहा था, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मस्त है। तभी लियो आ जाती है और बोलती है लिन तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम लोग जमीन में पड़ा हुआ लोगों को क्या करेंगे। लिन सॉफ्ट होकर बोलते है जमीन में पड़ा हुआ लोगों को, फिर वो देखता वही 8 लोग वहाँ पर पड़े हुए है। लिन बोलते है तुम सभी लोग आने में बहुत ही ज्यादा देर कर दिए हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो। गीगी चिल्लाकर बोलती है धत तेरे की, अभी भी इसका इतना दम इतना भाव खा रही है अभी भी। दूसरा लड़की बोलती है गीगी शांत हो जाओ देखो वो शायद कोई प्लान बनाया होगा। फिर वो लोग चिल्लाकर बोलते हैं मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। गीगी लिन को बोलती है हे तुम्हें नहीं दिख रहा वो लोग दर्द में है। लिन बोलता है मैं अंकल यन का इंतजार कर रहा हूँ तब तक वो लोग नहीं मरेंगे। गीगी अपने मन में बोलती है ये कमीना सही में मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहा है। तभी लियो उसके गाँव में मलम लगाती है। लिन चिल्लाते हुए बोलते है लियो तुम कर क्या रही हो। लियो बोलती है तुम्हें बहुत ही चोट लगा है, अगर मैं तुम्हें दवाई नहीं लगाऊंगी ये तो बढ़ जाएगा। लिन बोलता है शुक्रिया तुम्हारा। ये देखकर सो बोलती है ये लोग कितना बेशरम है। गीगी बोलती है और बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है, बोलता है गीगी और यंसु तुम दोनों यहाँ पर, लिन तुमने यहाँ पर मुझे किस लिए बुलाया है। फिर वो डोंग को बोलता है डोंग अब तुम्हें क्या हो गया। डोंग चिल्लाकर बोलता है अंकल मुझे बचाइए डॉक्टर हमें दवाई दिया था। गीगी बोलती है अंकल ये डॉक्टर बहुत ही बेकार है चलिए कहीं और चलते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं गीगी इतना गुस्सा मत करो,
लिन आओ जल्दी से इन्हें ठीक करो। लिन उन दोनों का हाथों में देख लेता है और बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल है इस समय इन लड़कियों को डील करने में, ये लोग बहुत सारे इंजेक्शन ले चुके हैं। तो वो शॉक होकर बोलती है, तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा कोई चाल था गीगी और मुझे यहाँ पर बुलाने का। गीगी शो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो यहाँ से चलो, ये हमारे लिए जाल है। फिर वो लोग भागने लगते हैं। तभी लिन उसके पास जाकर उसका एक्यूपॉइंटमेंट दबा देता है। फिर उन लोगों के पाँव में दम नहीं रहता है और वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। लिन डायरेक्टर को बोलता है, ये लड़के लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा मुसीबत होगा, तो इसके लिए आपको 2 गुना पैसा देना होगा और इसके अलावा ये सभी को यहाँ पर रहना होगा। डायरेक्टर बोलता है, ठीक है। लियू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, यहाँ पर रुकेगा ये लोग? नहीं, मुझे इनकार है। वो दोनों लड़के बोलती है, हाँ हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पर। लिन लियू को बोलता है, ये लोग दवाई डोंग और सभी को खिला देना, खाने के बाद वो लोग ठीक हो जाएंगे। गीगी और सू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। गीगी शॉक्ड होकर बोलती है, चेकअप मैं कराने वाली नहीं हूँ। सू बोलती, तुम काम क्यों रही हो गीगी? गीगी अपने सर से उसे मारती है और बोलती है, सू मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे घर जाना है, जल्दी से मुझे कोई घर ले चलो। सू बोलती है, रुक जाओ गीगी, हम अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। लिन सो को बोलता है, शांत हो जाओ, इसके बारे में मत सोचो। लियो जल्दी से जाकर प्रिस्क्रिप्शन बनाओ और उसे ज्यादा गहरा मत बनाना। लियो बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर कुछ देर के बाद लियो आ जाती है। लिन उसे देखकर बोलता है, जल्दी से इन्हें अंदर ले आओ, दरवाजा बंद करो और जल्दी से इसका कपड़ा खोलो। लियो शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम क्या बात कर रहे हो? लिन बोलता है, जल्दी से गीगी का कपड़ा उतारो, फिर वो दवाई उसके पीठ में लगा देना, जल्दी करो नहीं तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। सही में ये दोनों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लियो बोलती है, लिन ये दवाई सिर्फ एक इंसान के लिए ही है, तब सो का क्या होगा? लिन बोलते हैं, ये दवाई आदमी को शांत करता है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, तो देखता हूँ यंसु के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, उसे शायद दर्द का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्टर बाहर से चिल्लाते हुए बोलता है, लिन क्या हो रहा है अंदर में? दूसरी तरफ लिन सू का कपड़ा खोल देता है और उसे बोलता है, यंसु मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा तुम्हारे दर्द को कम करने का, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा से खुद ही निकलना होगा। फिर सू उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, कमीने कहीं के, मुझे सिर्फ एक इंजेक्शन चाहिए। लियो चिल्लाकर बोलती है, लिन लिन बोलता है, लियो यहाँ पर मत आना, तुम गीगी को संभालो। सू चिल्लाकर बोलती है, मुझे मेरा ड्रग दो, मुझे मेरा अपना ड्रग चाहिए, ड्रग दो मुझे। तुम सभी लोग झूठ बोलते हो, मुझे मार डालो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। फिर वो रोते हुए बोलती है, मुझे ये सब सहना क्यों पड़ता है? क्यों ये दर्द को सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो। लिन उसे गले लगाते हुए बोलता है, कमान हार मत मानो, यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा। सू लिन के कंधे में बहुत जोर से काटने लगती है। लियो ये देखकर अपने मन में बोलता है, लिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता होगा भी। दूसरी तरफ लिन बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद लिन बाहर आ जाता है। डायरेक्टर उसे देखकर बोलता है, लिन कैसा चल रहा है अंदर? फिर डोंग बोलता है, उन लोगों को क्या हुआ है? लिन उसे एक जोर से मुक्का मारता है और बोलता है, तुम कमीने कहीं के, अगर तुम्हें ड्रग लेना था तो तुम लेते ना, इन लड़कियों को क्यों दिया? डायरेक्टर बोलता है, लिन ये सब हो चुका है, अब इन्हें मारकर कुछ बदलेगा नहीं, अच्छा रहेगा कि तुम इन सभी को ठीक कर दो जल्दी से जल्दी। लिन सभी को बोलता है, सभी लोग अपने कपड़े उतारो और ये मेडिकल के बिस्तर में सो जाओ। डोंग शॉक्ड होकर बोलता है, कपड़े उतारे हम लोग, लेकिन लू यहाँ पर अभी भी है। लिन बेल्ट ले लेता और गुस्से से बोलता है, तुमने क्या बोला अभी?